शांति। आज की शिक्षा प्रद कहानी का शीर्षक है सब संग तोड़ एक संग जोड़। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, उसको एक लड़का था। वो लड़का उसका बीमार पड़ गया, पर वो अपने बेटे से बहुत ही प्यार करती थी। उसने अपने बेटे को कमरे में व्यवस्थित पलंग वगैरह डालकर आराम के लिए सुविधा करके दी थी और स्वयं बाहर के कमरे में चटाई डालकर चारपाई डालकर के सोई थी। चारपाई खटिया डाली हुई थी। तो एक बार की बात है, एक भैंसा भटक भटक कर उनके घर के पास आ गया। जैसे ही वहां आया तो भैंसे को खुजली आने लगी, तो उसने खटिया के पाए से गर्दन रगड़ना शुरू किया, तो बुढ़िया का खटिया हिलने लगा। जैसे ही हिलने लगा, आंख खुली, देखा भैंसा है, घबरा गई। तो उसको अपनी सुनी हुई पुरानी कथा याद आई कि यमदूत जो है जब किसी को लेने आता है ना, तो ऐसा भैंसा के रूप में आता है। तो उसको लगा, अरे ये तो मेरे बेटे को लेने आया होगा, क्योंकि बीमार तो वो है। तो घबरा करके उसने भैंसे को आवाज से बोला, अरे कल मुआ जो बीमार है ना, वो तो कमरे में सोया पड़ा है, मैं तो बड़ी ठीक ठाक हूं। अब यहां आप देखो, ठीक यही हालत आज दुनिया में हम देख रहे हैं। कोई किसी का नहीं है, चाहे माँ बेटा हो, माँ बेटी हो, पिता पुत्र हो, कोई किसी का नहीं। कहते हैं ना, सुख के सब साथी, दुख का कोई साथी नहीं। अगर दुख हरता है तो एक ही परम पिता परमात्मा है। तो अब समय है कि हमारा बुद्धि योग सब से निकाल कर हम एक पिता परमात्मा में लगाएं, सब संग तोड़ एक संग जोड़े, क्योंकि दुख में वही हमको मदद करेगा, वही शक्ति देगा, वही हिम्मत देगा और वही हमारे कार्य को सफल बनाएगा। इसलिए परमात्मा निष्कामी है, निस्वार्थी है, दुख हरता सुख करता है। हमें सबको भूलकर उनको याद करना अति आवश्यक है। ओम शांति।